हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो हेलो मिस्टर संजीव। या हाँ जी संजीव जी, कैसे हैं आप? कॉल बैक करना। हाँ जी, कॉल बैक करना, कुछ इशू हो रहा है? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अब बताइए। बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ, आप कैसे हो? सर मैं बहुत अच्छा हूँ। संजीव जी, आपके कार्ड का पेमेंट पेंडिंग था, पेमेंट नहीं हुआ अभी तक। आप का इंट्रोडक्शन दिए बिना आप आगे बढ़ रहे हो, कितनी गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। मेरी नजरों में तो पाप है एक तरीके का। अच्छा अच्छा सर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी ये पेमेंट हो गए सर, आपका कार्ड में यानी पापी बन के मानोगे, आप पापी बन के मानोगे, इंट्रोडक्शन नहीं दोगे आपका। अच्छा सर, पेमेंट का बता दीजिए, पेमेंट पेमेंट कैसे होगी? ये बड़े अजीब आदमी है यार, इंट्रोडक्शन मांग रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कौन हो तुम यार, पेमेंट पेमेंट कर रहे हो। सर मेरा नाम राहुल है, आपके कार्ड की पेमेंट पेंडिंग है, पेमेंट नहीं हुई आपकी। ओ शिट, ये क्या हो गया? हाँ राहुल है। हाँ जी, कौन सा कार्ड की पेमेंट है, कौन सा बैंक का कार्ड? सर कार्ड नंबर 7097। बैंक का पूछ रहा हूँ भाई। यस बैंक। यस बैंक का। तो आप लोग यार क्या नाम बताया आपने? राजीव? राहुल। राहुल, तो यार राहुल भाई आप लोग तो मतलब कौन हो, बैंक के ब्याज से बोल रहे हो, बैंक से बोल रहे हो? सर आपसे मैं पूछ रहा हूँ पेमेंट का, आप मुझे बताइए। राहुल भाई मैं पूरा इंट्रोडक्शन लेने के बाद ही देता हूँ जो देता हूँ। अच्छा पेमेंट आप 3 महीने से क्यों कर रहे हो? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, बैंक से बोल रहे हो, बैंक के ब्याज से बोल रहे हो? सर कोई बात नहीं, वो तो आपको बहुत अच्छे से पता है। नहीं पता ना, वरना तो बता देता मैं आपको कौन बोल रहे हो। अच्छा पेमेंट कैसे करोगे सर? ये आप बताओ कैसे कर दें सर? आप मजाक मस्ती में ज्यादा आ रहे हो क्या? मजाक मस्ती कहाँ, आपसे ये पूछो, बैंक के ब्याज से बोल रहे हो, बैंक से बोल रहे हो, आप बता ही नहीं रहे। अरे सर बैंक से बोल रहा हूँ, बैंक के ब्याज से बोल रहा हूँ, मैंने तो नहीं कहा मुझे पर्सनली पेमेंट कर दो। नहीं यानी बैंक से नहीं बोल रहे क्योंकि बैंक का रेट चिल्लाता नहीं। अच्छा अब आप ये पेमेंट कैसे करेंगे बताइए। पेमेंट आप बताओ कैसे कर रहे? आपने पहले कभी जिंदगी में पेमेंट नहीं करी? नहीं पेमेंट तो किए लेकिन कैसे कर सकते हैं आप बताओ। सर अपने कार्ड नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, आप फोन पे पेटीएम कैसे भी कर सकते हैं, बैंक के ऐप पे जाके कर सकते हैं। पेमेंट तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है पेमेंट करने में मुझे, तो पेमेंट आपकी मैं करूंगा 2 साल बाद। 2 साल बाद करेंगे? 2 साल बाद करूंगा। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं, 2 साल बाद करेंगे आप। और बैंक वगैरह में सर क्रेडिट लिमिट पता है कितनी क्रेडिट लिमिट थी आपको पता है आपकी? मेरे ख्याल से होगी कुछ शायद 4-5 लाख की होगी। महेंद्र प्रताप सिंह बात कर रहे हो? हाँ क्यों नहीं बात कर रहे हैं, पूरे पूरे करना है, बताइए क्या बात करनी है। प्रताप सिंह जी बात कर रहा हूँ, एक्सिस बैंक की तरफ से रिकॉर्डिंग एंटर जी। गुड आफ्टरनून सर। अरे गुड आफ्टरनून क्या कह रहे हो यार, गुड कहाँ है, कुछ गुड नहीं। सर आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेंडिंग है एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की, उसके रिगार्डिंग मैंने कॉल किया। एक्सिस बैंक के ब्याज से कौन बात कर रहे हो, नाम क्या है जी? मेरा नाम सुमित है सर जी, सुमित बात कर रहा हूँ एक्सिस बैंक की तरफ से रिकॉर्डिंग। अरे सुमित गोस्वामी जी, पूरा नाम क्या आपका? सुमित बात कर रहा हूँ सर जी, सुमित भूरचड़े बात कर रहा हूँ सर जी। भूरचड़े? हाँ सर जी बोलिए। भूरचड़े पक्का ना? भूरचड़े बात कर रहा हूँ सर जी, बोलिए सर जी। क्या बोलूँ मैं आपको, गुस्त तो बिल्कुल कुछ नहीं है सर। आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेंडिंग है एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, बस यही बोलना चाहूंगा, आपके एजेंसी ओनर या आपके टीएल या कह लो आपके मैनेजर के पिछवाड़े में ऐसा कीड़ा है, बार बार कॉल करवा देते हैं डायलर से। क्या हुआ सर जी बताइए? बार बार कॉल आते जाते हैं, क्या बोलूँ आपके मैनेजर टीएल और आपके एजेंसी ओनर के पिछवाड़े में सच में कीड़ा है, पता है आपको? देखिए मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, 6 महीने से आपने पेमेंट नहीं किया, उसके रिगार्डिंग मैंने कॉल किया सर। आपके टोटल आपकी आउटस्टैंडिंग है 63,534 रुपीज़ सर। नहीं मेरे पिछवाड़े में भी कीड़ा डिफॉल्ट करने का, तो जान सकता हूँ दिक्कत क्या है? डिफॉल्ट सुना आपने? डिफॉल्ट? हाँ सर जी बोलिए। हाँ तो मेरे पिछवाड़े में वो कीड़ा में डिफॉल्ट करूँ। पेमेंट कब तक करोगे सर? डिफॉल्ट डिफॉल्ट यानी जीवन में कभी। पेमेंट कब तक करोगे सर जी, आप बताइए मुझे आपका। भाई साहब डिफॉल्ट मतलब जीवन में कभी नहीं। जीवन में कभी नहीं, सिविल के ऊपर इम्पैक्ट होगा आगे जाके, आपको दिक्कत आती है? 6 महीने में सिविल बचा हुआ, सिविल की तो रेट बढ़ गई।
आप अगर कभी आगे जाके सर जी फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब भी सर्च करोगे, आगे जाके तो मैं गर्लफ्रेंड भी बनाऊंगा, आगे जाके छोड़ दो, मैं बिजनेस कर लूंगा, भाई है मेरा और जॉब की जरूरत नहीं है, भाई की खुद की जो है ना एजेंसी चलती है आपकी रिकवरी की, उसमें काम मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो उससे कुछ उधार ले लूंगा अपने बिजनेस चालू करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, आपका रिकमेंडेशन जी, क्योंकि आपको मुझसे बात करके अच्छा पता है क्यों लगा, क्योंकि मैं नए नए आइडिया देता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आप भी लोन लेके डिफॉल्ट कर दो 30-40 लाख का और भाग जाओ कहीं, एड्रेस लगाना कहीं और का, आराम से मजे से अपना बिजनेस डालना, क्या डर रहे हो यार, इन लोगों से कुछ नहीं कर पाते। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, टेक केयर, ओके ओके, हैव अ नाइस गो, हैव अ गुड डे, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, क्यों मैं तमिल, हेलो नमस्ते, क्यों मैं तमिल, या मैडम या, हेलो मैडम, आई एम अमित एंड यू जी, आपका नाम है ना सर अमित, यस मैम, अमित गांधी यार, नाम कंफर्मेशन करने के लिए धन्यवाद अमित सर, मेरे तो पूरे प्यास को पर पे लेटर से, कैसा मेरा नाम है वैसे ही मैडम, मैं भी पूछ सकता हूँ, आपका वॉइस नहीं आ रहा सर क्लियर से, मेरा आवाज आ रहा आपको, मैडम मैं बोल रहा हूँ जैसा मेरा नाम है ना अमित दोंदियाल, वैसे ही मैं दूध का धुला हूँ, मैं बहुत सज्जन बहुत सीधा साधा व्यक्ति हूँ मैडम, जी बोलिए, योर नेम, सर मैं रीता बोल रही हूँ सर, रीता जी, मैडम थोड़ा पहली बार सुना है रीता, तो सुना है रीता पहली बार सुना है, ठीक है अमित सर, आपका जो फ्लिपकार्ट पे लेटर का डी अमाउंट पेंडिंग है, ठीक है, आपका डी अमाउंट 5,983 रुपए सर, आपका लास्ट डेट 5 तारीख होता, आज 19 तारीख हो चुका है, 14 दिन डिले हो गया, अभी तक आपका पेमेंट नहीं हुआ, जी अभी तक आपका पेमेंट नहीं हुआ हमें सर, क्या आप अभी ऑन कॉल में पेमेंट कर सकते हैं, मैडम आप लोगों ने मुझे बार बार कॉल किया था, मैंने रिस्पॉन्स तो दिया होगा सर, लेकिन यहाँ पे आपको कॉल अटेंड होकर डिस्कनेक्ट हो गया था और आपको कांटेक्ट करने के लिए भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन कोई कॉल आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था सर, तो आप अभी कर देंगे पेमेंट, मैं आपको लाइन में बने रहूंगी, पेमेंट कर दीजिए, 2 मिनट का समय लगेगा क्योंकि बहुत डिले हो चुका है सर, इसलिए बोल रही हूँ, नहीं मैडम बिल्कुल, कब करेंगे पेमेंट जान सकती हूँ सर, पता है मैडम मैं पेमेंट के लिए रोज बता कितने लोगों को ना करता हूँ, मैं इतने लोगों को ना करता हूँ, आपने अभी तक सुना होगा हाथ में फ्रैक्चर होता है, मेरी जीभ में फ्रैक्चर हो गया, हाथ पैर में सुना होगा मेरी जीभ में फ्रैक्चर हो गया, पता है ना करते करते इतने लोगों को ना करता हूँ, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपको वॉइस जो है वो क्लियर से नहीं आ रहा सर, मेरा वॉइस आपको क्लियर है, हेलो 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 जी सर बोलिए सर, आ रही है मैडम, जी जी अभी आ रहा है, बोलिए किस रीजन के लिए आप डिले कर रहे हैं, आप पेमेंट कब करेंगे जान सकती हूँ मैं सर, मैडम मैं ये कह रहा हूँ मैं रोज कॉल अटेंड करता हूँ ना, रोज जवाब देता हूँ मैं, ठीक है, तो जवाब में मैं ये कहता हूँ कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा, इतनी बार मैं ये जवाब दे चुका कि आपने अभी तक सुना होगा हाथ में फ्रैक्चर होता है, पैर में फ्रैक्चर था, मेरी जीभ में फ्रैक्चर हो गया, पता है सर, आप पेमेंट करने के लिए मना कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन किस रीजन के लिए आप डिले पेमेंट करने के लिए मना कर रहे हैं, आपको कुछ फ्रैक्चर हो गया था, मतलब आपको कुछ हेल्थ इश्यू के कारण आप डिले कर रहे हैं, मैडम आप नहीं समझोगे, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं किसी अच्छे एजेंट से बात करता हूँ जो दिमाग वाला हो, आप मैडम दिमाग का यूज नहीं कर रही हो, मैं क्या बोल रहा हूँ आप क्या समझोगे, अंतर प्रोफेशनल कॉलर, ठीक है सर, आपको वॉइस मैडम क्लियर, मैडम तो आप एक काम करो, आप मैडम एक काम करो, कॉल बैक करना, Okay. पेमेंट ये कब करेंगे अमित सर, हाँ मैडम आप ये जो आपने पूछा ना अगले कॉल पर पूछना सर, हमें रीजन बता दीजिए सर, आपको वॉइस नो मैडम, ये आएगा नेक्स्ट कॉल मैडम, ठीक है, तो फिर आपके तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए, मैं आपको कॉल बैक अरेंज करवा देती हूँ, ओके मैडम, बाय बाय मैडम, पेमेंट करने के लिए तो आपका ब्यूरो स्कोर पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा सर, जिसके कारण आप फ्यूचर में लोन या क्रेडिट नहीं ले पाएंगे और आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, इसलिए मैडम दिस स्क्रिप्ट ऑथोराइज वो दिस स्क्रिप्ट होता है ना ऑथोराइजर ऑफ TL, यानी इस स्क्रिप्ट का ऑथोराइजर आपका TL, आप उसने लिख के दे दी, राइट करके दे दी आपको, आप वही चीज बोल रहे मैडम, ठीक है, हेलो एक मिनट मैडम होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना, एक रील चल रही है इंस्टाग्राम पर मैडम, वो देख लो,
ओके सर, बी ऑन कॉल सर, आई विल चेक माय डिटेल्स. हेलो मैडम, रील पूरी कर लो, रुको आप होल्ड करो. सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर. मैडम रील देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पर, रील देख लो, इसमें रुक जाओ, 30 सेकंड की रील है, ठीक है, फिर आपको अभी जवाब देता हूँ. हाँ मैडम आप बताइए, रील खत्म हो गई मैडम, एक तो रील वगैरह देख लेता हूँ ना, मन कर जाता है देखने का, पूरा जानने का उसको. हाँ मैडम आपका नाम? ओके सर, वी लव देयर हियर सर. आपका नाम पूछ रहा हूँ. उषा सर. उषा, उषा जी आप ये बताओ, आप इससे पहले भी कॉल आए होंगे मुझे तो. सही से सिस्टम जनरेटेड कॉल सर, वी लव अपडेट हियर सर. तो उषा जी आप डिस्कनेक्ट कर दो, मैं जवाब ही नहीं दे रहा. ओके सर, डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर साइड. नहीं मैडम, डिस्कनेक्ट कॉल फ्रॉम योर साइड. ओके सर. ओके मैम. हेलो. हेलो सोनू सर. हाँ हेलो सर, मैं अवनीत बात कर रहा हूँ, ICICI बैंक के बैप से ऑन कॉल. अवनीत सर, आप सर एक कार्ड पेमेंट ये चल रही है. अवनीत जी आपने जो अभी लेटेस्ट पे एक सीरियल आ गया अल्लादीन, उसमें अवनीत कौर काम कर रही है, आपका नाम जो उसकी याद आ गया. जी सर. आपने देखा है वो? सर मैंने नहीं देखा वो सीरियल. पता है उसमें मैडम बहुत अच्छी लव स्टोरी है, मजा आ जाता है एकदम, उसका बहुत देखता था मैंने. तो आप मुझे ये बताइए कि पेमेंट कब करोगी? अवनीत जी पेमेंट एक काम करते हैं, आपको किसको कॉल लगाया आपने, एक बार दोबारा कन्फर्म करना. सर मैंने आपको कॉल लगाया है. नहीं मेरा ही नाम पूछ रहा हूँ. सोनू. सोनू आप पूछना पड़ जाता, मेरे एक भाई का इंटरनेट में नंबर लगा हुआ है. जी सर. मेरे भाई का ना एक लॉन्च चल रहा है ICICI से, तो उसका भी इंटरनेट में नंबर लगा हुआ है मेरे ये वाला. तो सर मतलब ये कार्ड आपके भाई यूज कर रहे हैं? नहीं मेरे भाई का भी चल रहा है, उसका मेरा ये नंबर उसके अल्टरनेट में लगा हुआ है. हाँ तो सर. हाँ तो इसलिए पूछना पड़ता है एक दो बार. तो कहाँ पे थे हम? अल्लादीन नाटक के बाद हमारे थे पेमेंट का. पेमेंट का मैडम आपने पीछे कॉल करा होगा, तो मैंने क्या बताया आपको? पेमेंट का आपने मुझे कुछ नहीं बताया सर. नहीं पीछे आपने कॉल करा होगा, क्या कहते हैं आपका और एजेंट का, तो कुछ ना कुछ तो बताया होगा मैंने. सीर की बात कर रहे हैं आप, मुझे ये बताइए कि पेमेंट कब कराएंगे आप? मैडम कल लेंगे पेमेंट के बाद, आप एकदम सीरियस हो जाती हो मैडम. ठीक है आप जॉब कर रहे हो, आपको पेमेंट के बारे में जानना है, आपको उसके बाद और कस्टमर अटेंड करने, तो क्या हुआ मैडम, थोड़ा सा रिलैक्स ही लीजिए, चिल कीजिए, अपना मूड फ्रेश कर लीजिए. जी सर. पेमेंट की बात होती हो जाएगी मैडम, पेमेंट की तो बात हो रही है, मैं कह रहा हूँ पीछे आपने रिमार्क्स में कुछ मैंने अपडेट करवाया. नहीं बैठी है, अपना मूड चिल करने नहीं बैठूंगा मैडम. TL आपको रोज डांटता है, तो आप थोड़ा चिल भी कर लो मूड, TL फिर आपको डांटेगा. ओके सर, मुझे बताइए कि आप पेमेंट कब कराएंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ आज इस पोजीशन में रिमार्क्स के अंदर कुछ अपडेट कराया क्या आपने? जी सर. रिमार्क्स के अंदर इस पोजीशन में कुछ अपडेट कराया आपने? हेलो. गुड आफ्टरनून सर, दिस इज पायल कॉलिंग ऑन बिहाफ आरटीएल बैंक ऑन ए रिकॉर्डेड लाइन. दिस इज अ सर्विस कॉल विद रिगार्ड टू बजाज आरटीएल सुपर कार्ड. क्या मेरी बात मिस्टर नवजोत पांडे जी से हो रही है? हाँ मैडम, नवजोत पांडे जी से हो रही है, बजाज सुपर कार्ड के बिहाफ से बोल रही हैं आप? आरबीएल के बिहाफ से हो रही है? यस सर. हाँ आरबीएल के रिगार्डिंग. एक मिनट मैडम, आपका नाम क्या सर? पायल. पायल, अरे पायल जी आपका पता है, आपका नाम सुनने मुझे किसी की याद है. सर आपकी ना वॉइस बहुत स्लो आ रही है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आपका नाम सुनकर मुझे किसी की याद आ रही है, मेरी एक दोस्त थी पायल नाम की, बेचारी अभी इस दुनिया में नहीं. सर मैंने आपको पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया है, आपकी पेमेंट नहीं आई? पेमेंट के रिगार्डिंग कर लेंगे मैडम, पता है आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है पायल. सर
पेमेंट कब कराएंगे आप? नहीं मैं नहीं बताऊंगा, बट सर पेमेंट आपके रिक्वायर्ड है ऑलरेडी। आपका जो पेमेंट का ड्यू डेट निकल गया जो 11 जून का था, आज आपकी 19 तारीख हो चुकी है, ठीक है। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपका 1,17,264 रुपए और मिनिमम है 7,524। सेम कर रहे हैं आप आज? मैं नहीं करूंगा मैडम आज, आप तो ऑर्डर दे रही हो जी, आप तो ऑर्डर दे रही हो, पता है आपका ऑर्डर मुझे बहुत अच्छा लगा सुनने में, आपकी आवाज इतनी प्यारी है। क्या नाम बताया था आपने अपना? भूल गया मैं, कौन सी? हेलो जी, पायल जी। हाँ पायल जी, और बताइए पायल जी, सब बढ़िया चल रहा है? सर मैं आपको पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया है, ये पेमेंट आपका डिले हो चुका है, आप कितनी देर में पेमेंट कर रहे हैं? क्योंकि आपको ऑलरेडी 11 तारीख को करनी थी, आज 19 तारीख हो चुकी है। अभी तो बताया नहीं करूंगा पेमेंट, आपको बार बार बताना पड़ता है, बताओ पायल जी, आप भी कमजोर है, आपकी याददाश्त पता है। बट सर आज आपकी पेमेंट रिक्वायर्ड है, डिले क्यों कर रहे हैं आप पेमेंट के लिए? रिक्वायर्ड का क्या होगा पायल जी, रिक्वायर्ड पता है क्या क्या है? मुझे भी रिक्वायर्ड थी, मुझे भी मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी, हुई नहीं। लेकिन आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।